नमस्कार दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है कर्म और कर्म फल भोग में अंतर संबंध। कभी कभी लोग निराशा के कारण ये सोचने लगते हैं कि पापी लोग मजे में जी रहे हैं, उनके पास अपार संपत्ति एवं भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु न्याय नीति और धर्म से पवित्र जीवन जीने वाले दुखी दिखाई देते हैं। तब ईश्वर में श्रद्धा डिगने लगती है और लगता है कि विधि के विधान में अंधेर है, किंतु यथार्थ में ऐसा नहीं है। दुनिया के प्रत्येक नियम या कानून की धाराओं में कोई न कोई अपवाद हो सकता है, किंतु कर्म के फल भोग के नियम में कोई भी अपवाद नहीं है। मनु ने भी मनुस्मृति में बताया है कि मनुष्य अधर्म करके पहले उन्नति करता है, बाद में कल्याण देखता है, फिर शत्रु पर विजय पाता है और कुछ समय बाद समूल नष्ट हो जाता है। एक लोक कथा में वर्णित है कि जब राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक ही साथ मृत्यु को प्राप्त हुए, तब राजा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जीवन में मैंने कोई ऐसा भयंकर पाप नहीं किया जिसके फल स्वरूप मेरे 100 पुत्र एक साथ ही मर गए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके पिछले जन्मों को देखने की दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब राजा ने देखा कि लगभग 50 जन्म पूर्व वे एक शिकारी थे और वृक्ष पर बैठे पक्षियों को पकड़ने के लिए उन्होंने जलता हुआ जाल वृक्ष पर फेंका था, जिससे बचने के लिए कुछ पक्षी तो उड़ गए, किंतु वे जलते हुए जाल की गर्मी से अंधे हो गए और बाकी 100 पक्षी जलकर खाक हो गए। राजा का वह कर्म 50 जन्मों तक उनके संचित कर्मों में बिना पके पड़ा रहा और जब राजा के पुण्य समाप्त हो गए, तब वह संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हुआ, जिससे राजा को इस जीवन में दृष्टिहीन होकर अपने 100 पुत्रों के निधन का मर्मांतक आघात सहना पड़ा। विधि के विधान में अंधेर भी नहीं है और देर भी नहीं है। यह मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। अपने जीवन का कल्याण केवल मानव जीवन से ही संभव है, अतः हमें इसे व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। मनुष्य प्रायः सारा जीवन धन सत्ता या यश को प्राप्त करने में बिता देता है, किंतु इसमें से कोई भी वस्तु साथ में नहीं जाती, जाएगा केवल किए गए कर्मों का फल। इसीलिए शास्त्रों में कहा भी गया है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके बंधु बांधव उसे शमशान भूमि में काष्ट और पत्थर की तरह छोड़कर मुंह फेर कर लौट आते हैं। केवल धर्म ही होता है जो उसके साथ जाता है। अतः धन सत्ता आदि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो उल्टे सीधे कर्म करता है, उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए जीवन में मनुष्य को निरंतर सत कर्म करते रहना चाहिए। निर्गुण निराकार ब्रह्म भी जब सगुण साकार होकर देह धारण करके पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तो उन्हें भी कर्म के नियमों का कठोरता से पालन करना ही पड़ता है। कर्म फल भोग के कठोर नियमों को इस कथा के जरिए हम समझेंगे। एक सेशन जज थे, सुविज्ञ तथा कर्म के नियमों में अधिक आस्था रखने वाले थे। एक दिन प्रातःकाल वे दुंदल के नदी के किनारे टहलते हुए लघु शंका के लिए घनी झाड़ी की ओट में बैठे ही थे कि इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके पीछे कोई दूसरा आदमी आया और उसने पहले वाले आदमी की पीठ में छुरा भोंक दिया। वह गिर पड़ा और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। खूनी भाग गया, उसका चेहरा सेशन जज ने भली भांति पहचान लिया था। अब सेशन जज घर आए और इस घटना का उन्होंने किसी से भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि खून का केस अंत में उन्हीं की अदालत में आना था। फिर पुलिस की तफ्तीश हुई, 6 महीने में संपूर्ण जांच पूरी हो गई, खून का मुकदमा दाखिल हुआ। जज साहब ने देखा कि जिस खूनी को उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से खून करते देखा था, उसके बदले में किसी दूसरे व्यक्ति को आरोपी बनाकर प्रस्तुत किया गया है। पुलिस ने अकाट्य प्रमाण दिया और नकली आरोपी खूनी साबित हुआ। जज साहब जानते थे कि आदमी खूनी नहीं है,
किंतु न्यायाधीश को प्रमाणों के आधार पर फैसला करना होता है और अकाट्य प्रमाणों के कारण आरोपी को फांसी की सजा भी देनी पड़ सकती है। जज साहब को लग रहा था कि असली खूनी बच जाएगा और किसी निर्दोष को फांसी हो जाएगी, इसलिए खून की सजा का आदेश सुनाने से पहले सेशन जज ने उस नकली आरोपी को अपने चेंबर में एकांत में बुलाया। चेंबर में आकर नकली आरोपी रो पड़ा और कहने लगा कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने खून नहीं किया और बिना वजह मारा जा रहा हूँ, क्योंकि असली खूनी न मिलने की स्थिति में लगता है मेरे पहले के कर्मों के आधार पर मुझे पकड़कर मजबूत प्रमाण जुटा लिए गए हैं और कोर्ट की दृष्टि में कानून के अनुसार मैं खूनी साबित हो रहा हूँ। सेशन जज ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम खूनी नहीं हो, किंतु कानून प्रमाणों के आधार पर चलता है और सारे प्रमाण तुम्हारे विरुद्ध होने के कारण मैं तुम्हें कानूनन खूनी करार देकर फांसी की सजा सुनाऊंगा। फिर भी मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका तुम बिल्कुल सच्चा जवाब देना। अब मरते समय जरा भी झूठ मत बोलना। भूतकाल में तुमने कभी किसी का खून किया था? उसने रुंधे गले से ईश्वर को साक्षी मानकर सच सच कह दिया कि भूतकाल में मैंने 2 खून किए थे। उनका मुकदमा चला था, किंतु मैंने बहुत होशियार वकील से पैरवी कराई थी और खूब पैसे खर्च किए थे, इसलिए ही मैं दोनों मुकदमों में बिल्कुल निर्दोष छूट गया, किंतु इस मुकदमे में वास्तव में निर्दोष होते हुए मारा जा रहा हूँ। सेशन जज को जवाब मिल गया था कि ईश्वर के कर्म के नियमों में कहीं भी गफलत नहीं हुई है। पहले 2 खून के समय इस आरोपी के पुण्य प्रबल थे, इसलिए उस खून का फल भोग में विलंब हुआ और जब उसके जमा पुण्य समाप्त हो गए तो उसे पिछले कर्मों की सजा मिल रही है। इस नियम के अनुसार दंड की प्रक्रिया पूरी की गई है। कोई भी कर्म करने से पहले उसके परिणाम पर बार बार चिंतन करना चाहिए, तभी वह कर्म करना चाहिए। कर्म हो जाने के बाद उसके फल से बचने के लिए व्यर्थ का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कर्म का फल जब पक कर और प्रारब्ध बनकर अनुकूल या प्रतिकूल बनकर सामने आता है, तब उसे साहस से प्रसन्नता पूर्वक भोग लेना चाहिए, क्योंकि यह मानव शरीर मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। मानव शरीर धारण करके भी यदि मोक्ष प्राप्त न हो सके तो 84 लाख योनियों में फिर से भटकने की दशा आएगी। मनुष्य मात्र देह के बंधन से मुक्त होकर पर ब्रह्म में लीन होने का निश्चय करे तो उसके लिए वह समर्थ है और स्वतंत्र है, परंतु जब तक वह इस जन्म का समस्त प्रारब्ध न भोग ले एवं पिछले जन्म जन्मांतरों के जमा हुए संचित कर्म के ढेर को इस जीवन में ही साफ न कर ले, भस्म न कर ले, तब तक उसे बार बार अनंत काल तक अनेक जन्म अनेक देह धारण करने ही पड़ेंगे और तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। मृत्यु को हर पल नजर के सामने रखकर कलुषित वृत्तियों को त्याग कर शुद्ध अंतःकरण से एक ही तत्व पूरे विश्व में व्याप्त है, ऐसा समझकर सर्वत्र आत्मदर्शन करें, लोगों के आंसू पोंछें, उनका दुख दर्द दूर करें तो जीवन धन्य हो जाएगा, लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे एवं मृत्यु की घड़ी में परमात्म दर्शन का अभूतपूर्व आनंद भी प्राप्त होगा। यही जीने की कला है।